कडे बघता जर घरासाठी लॉन्ग हेअर साठी आहे इशा जर काही करून दाखवायचं असेल यशस्वी व्हायचं असेल तर हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे होने के कारण मैं कहीं बाहर जाने की सोच ही रहा था और इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज देखने के बाद मुझे पता चला कि एलोरा के नज़दीक कोई कल्चरल इवेंट होने वाला है। जैसे ही मैंने उसके डिटेल्स रीड किए तो मुझे पता चला कि वहाँ अर्चना मैम को एज अ गेस्ट बुलाया है। अकेले जाने से बेहतर है मैं अर्चना मैम के साथ चला जाऊँ, ये सोचकर मैंने तुरंत मैम को कॉल किया और कॉल करने के बाद हमारी जर्नी का टाइम और स्केड्यूल फिक्स हो गया। उसके बाद हम निकले एलोरा की ओर। तो दोस्तों देखिए, एक लड़की साथ गाड़ी पर जा रही है पर लग रहा है कि लड़की पीछे गाड़ी चला रही है, आगे सड़का दिख ही रहा है। वो देखिए स्पोर्ट बाइक पे डालना मत रहा आवाज, तुम्हारा एंजॉयमेंट के लिए आते तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज छुट्टी का दिन है और लोगों के अंग में आ गए सब पागल हो गए। वो देखो उसके हाथ बाहर निकाले, वो मुंडी बाहर निकालने वाली है, वो बोल रही मुझे बचाओ बचाओ, मुझे मेरे पति साथ नहीं रहना है, मुझे बाहर फेंको। पति बोल रख अंदर चुपचाप बैठ, अभी मुझे कोई नहीं मिलने वाली तेरे सिवा। आंटी चुपचाप अंदर चली गई, कार कांच लग गया। सेम पार्किंग है, देखो यहाँ तक गाड़ियाँ लगती है। हाँ, हाँ, एलोरा केव से लेके। हाँ, राइट, 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 राइट। इतना ट्रैफिक आता है, ये देखो कितना भरे हुआ है। मैं क्या बोली, लोग गैंग में आ गए। संडे 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 इज मंडे संडे, ऑल ओवर इंडिया में चलते। कौन सा वाला? एक नया नंबर प्लेट चेंज होती है। 23 BHE या 22 BHE वाला जो गाड़ी है सुंदर है, फोटो उसके साथ एक। हाँ? ना। एलोरा के नजदीक आने के बाद हमारा बहुत सारा टाइम ट्रैफिक में चला गया। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोकेशन पर पहुंचे। ये पर है ना मैम, ये कुंडे ना इले भाई ओढ़कर ये के बाहर तपती धूप होने के कारण ये प्रोग्राम अब कैसा होगा इसकी हमें चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद गेस्ट का वेलकम हुआ और प्रोग्राम शुरू हुआ। भाई बहुत सारे भाई बहुत सारे इंग्लिश
थैंक यू सो मच मैम. सुकन्या हिला मी पुन्हा विनंती करते की त्यांनी इकडे बघा सुंदर विचार या दीदीचे आहेत. एवढे सर्व महिला मंडळ तिने एकत्रित केलेलं आहे. खरोखर महिला आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे आहे हे दीदीने सिद्ध केलेलं आहे. आणि मराठवाड्यातील ती पहिली फोटोग्राफर आहे याचंही आपल्याला कौतुक पाहिजे. महिला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान झाल्या. अनिता देसाई फार मोठ्या लेखिका झाल्या. कल्पना चावला अंतराळात जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या. नक्कीच ती मराठीमध्ये बोलू. अच्छा तो मैं सुकन्या को पिछले 5 सालों से जानती हूँ और उस बच्ची का मैंने जर्नी बहुत नज़दीक से देखा है. बहुत बात कभी नहीं कर पाई उससे पर हमेशा कनेक्टेड रही उससे मैं हमेशा. तो जब उसने यहाँ पे अपना स्टूडियो डाला तो भी मुझे इनवाइट किया था बट मैं नहीं आ पाई. उसका खेद मुझे रहा क्योंकि मेरे पास हाथ में काम था. पर आज ऐसा मौका हुआ कि उसने इतना सुंदर प्रोग्राम हम सबके लिए ऑर्गेनाइज किया है. बहुत लंबा वैकेशन है, हर कोई छुट्टी पे गया. हम लोग शहर से जब आ रहे थे ना लिटरली पूरी गलियां खाली थी लेकिन पूरा एलोरा भरा हुआ था. बट उस एलोरा भरे हुए एलोरा में ये आकर्षण है ये किसी को पता नहीं शायद से. सो बहुत 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 शुभकामनाएं सुकन्या, आपने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. बस एक आखिरी बात बोलना चाहूँगी. एका बाईला एका बाईचे पायने खेचायला पाहिजे, तिला तिचा हात धरायला पाहिजे. राईट, तो तालियां इस बात के. तो हम सब सुकन्या को ऐसे सपोर्ट करेंगे और सुकन्या बहुत आगे बढ़ी. मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ. उसके बाद वहां पर बहुत सारे गेम्स हुए, डांस हुआ, रैंप वॉक हुआ और एंड ऑफ द शो सभी को गिफ्ट प्राइजेस दिए. जर घरामध्ये वडील जर बोलत असतील काही चुकीचे की पुढे चालून स्त्री यांच्याकडे त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा होऊन जातो. त्यामुळे जे मी काउन्सिलिंग करते या केसेस मध्ये
तरह ये आज का प्रोग्राम खत्म होता है। एक एलोरा नाम का ये जो प्लेस है, यहाँ पर ये छोटा सा एक अहिल्याबाई होलकर नाम से ये कुंड है, और यहाँ की एक फोटोग्राफर है, लेडी फोटोग्राफर, जिसका नाम है सुकन्या हिरवड़े, जिसने एक लेडीज़ लोगों के लिए नहीचा नकराम इस ट्रेडिशन बेस पर एक छोटा प्रोग्राम रखा, और सारे महिलाओं को इकट्ठा कर एक छोटा सा कार्य करने का उसने प्रयास किया, और उसे बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों ने, सभी लेडीज़ ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और यहाँ पर अर्चना मैम, जिनका रिसेंटली आपने ब्लॉग देखा न्यू मेकअप पार्लर ओपनिंग का, उनको यहाँ पर एज अ गेस्ट बोल के बुलाया था, मैं साथ ही में आया था आज संडे की वजह से शूट के लिए, तो ये छोटा सा प्रोग्राम मस्त हो गया अभी, तो चलिए निकलते हैं अभी घर पे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम वहाँ से घर के लिए निकले, और रास्ते में ही हमने फौजी ढाबा पर हमारा लंच किया। तो इस तरीके से मैंने अपना संडे का टाइम स्पेंड किया। आई होप सो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।